उत्तर प्रदेश के गोंडा में भारी बारिश के चलते घाघरा नदी कहर बरपा रही है, जिसमें किनारे का मकान पत्ते के महल के माफिक ढह गया। उत्तर प्रदेश के गोंडा में यूं तो घाघरा नदी का जलस्तर कम हो रहा है, लेकिन अभी भी नदी जो है लगातार उफान पर है और कहर बरपा रही है। घाघरा नदी के तेज कटान के चलते तरबगंज तहसील क्षेत्र के नदी किनारे बसे गांव साकेपुर में अनंत राम यादव, राम भवन और सोना देवी का मकान देखते ही देखते पत्तों के महल के माफिक घाघरा नदी में समा गया। घाघरा नदी में दोनों मकानों के कटान का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें देखा जा सकता है कि किस तरह देखते ही देखते एक पक्का मकान घाघरा नदी में समा जाता है। वीडियो को देखने के बाद ये भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि नदी के घटते जलस्तर ने किस तरह नदी किनारे बसने वाले गांवों में कहर मचा रखा है। घाघरा नदी अपना भयानक रूप दिखाते हुए तटीय इलाकों में तेजी से कटान कर रही है। लेकिन इस मामले जिला प्रशासन और बाढ़ खंड के अधिकारी बाढ़ के बचाव के पुख्ता दावे कर रहे हैं। डीएम नेहा शर्मा ने इस पर बताया कि स्थिति काफी नियंत्रित है और घाघरा नदी खतरे के निशान से नीचे बह रही है। देखिए, बाढ़ की जो स्थिति है अभी नियंत्रित है, क्योंकि जो घाघरा में वाटर है, घाघरा सरयू में रिसीडिंग ट्रेंड पे है और डेंजर लेवल से भी बिलो है। लेकिन सकीपुर नामक एक ग्राम में कुछ झोपड़ी और एक पक्का मकान जो पूर्व में उसमें रिहाइश थी वो अफेक्टेड दिखा है, और उसमें तत्काल रूप से हमारे जो राजस्व टीम थी, SDM साहब खुद वहाँ मौके पर मौजूद थे और उस पूरी जगह का आकलन भी पहले से हम लोगों ने कराया हुआ था। तो जो जो झोपड़ी अफेक्ट हुई है उसका जो लॉस है कॉम्पनसेशन वो निर्गत किया जा चुका है। जो वहां पर क्रॉप लॉसेस हुई हैं उनका कॉम्पनसेशन वितरित हो चुका है और शत प्रतिशत हम लोगों ने राशन किट्स का भी, जो राहत किट हैं उनका भी आच्छादन इन सभी एरियाज में सुनिश्चित कर लिया है, और जो लोग इस प्रभाव में आ रहे हैं उनको हायर रीचेस में शिफ्ट भी किया गया है। तो अब जो ट्रेंड है वो रिसीडिंग है, वो ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन तो निरंतर हम लोग जो हैं उस पर निगाह रखे हुए हैं, पेट्रोलिंग करवा रहे हैं, हमारे XCN फ्लड खंड जो हैं उनके द्वारा भी जो कार्य है उस पर भी निगरानी की जा रही है, तटबंधों की सुरक्षा पर भी एक मॉनिटरिंग की जा रही है। अराउंड 22 विलेजेस एक क्यूमुलेटिव संख्या में बताऊं कि अलग अलग समय पर अफेक्टेड रहे थे, तो आज की आज मतलब तद दिनांक तक 22 विलेजेस तक